एक तरफ देश में जहां पर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कागजों की बात करें तो खुदरा महंगाई की दर 12 महीने के सबसे लोएस्ट लेवल पर जा पहुंची है। सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अगर हम बात करें तो सभी जरूरी खाद्यान्न एक साल में 16.68% महंगे हुए, जबकि हाल ही में जारी की गई दरों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 4.31% रही। पिछले साल ये 4.31 थी और इसका सबसे ज्यादा असर प्याज, आलू, चावल, अरहर की दाल और टमाटर पर पड़ा है, यानी कि वो चीजें जो कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती हैं, हर एक घर में होती हैं। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से इसको समझेंगे तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक चावल का जो एवरेज प्राइस है मई 2024 में 44.99 रुपए पर केजी का था, जो कि पिछले साल मई में 39.09 रुपीज। ये अंतर कितना है? 15.09% का। इसी तरीके से अरहर की दाल, उसका जो एवरेज प्राइस है वो मई 2024 में 160.75 रुपए प्रति किलो, जो कि पिछले साल मई में 126.23 रुपए था। यानी कि आप मई 2024 और मई 2023 और उसमें डिफरेंस कितना आया वो आपके सामने परसेंटेज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कितना अंतर रहा? 27.35% का। इस साल मई में आलू का जो एवरेज प्राइस था वो था 31.18 रुपए पर केजी, जो कि 2023 में मई के महीने में 21.68 रुपए, अंतर कितना? 43.82% का। अब प्याज, उसका जो एवरेज प्राइस वो 35.66 रुपए प्रति किलो और 2023 मई में ये 23 रुपए था, अंतर कितना? 55.04% है। अब टमाटर, जिसका एवरेज प्राइस इस साल 39.10 रुपीज प्रति किलो और पिछले साल यानी कि 2023 मई में ये 28.48 रुपए, अंतर कितना? 37.29% का डिफरेंस है। इसके साथ और भी कई सामान हैं जिनके दाम में इजाफा तो हुआ लेकिन जो बढ़त है वो मामूली है। वो कौन कौन से चीज़ें हैं, सामान हैं, जैसे कि खुली चाय पत्ती अगर आप लेते हैं, मैं पैकेज चाय पत्ती की बात नहीं कर रही हूँ, खुली चाय पत्ती की बात कर रही हूँ, उसका एवरेज दाम जो कि मई 2024 में 281.25 रुपए प्रति किलो था, जो कि 2023 मई में 276.49 रुपए, यह अंतर 1.72% का। इसी तरीके से दूध जो है उसका औसत दाम मई 2024 में 58.94 रुपए प्रति लीटर, पिछले साल यानी 2023 मई में ये 57.57 रुपए, अंतर कितना? 2.38% का। इस साल मई में जो आटा है उसका एवरेज दाम 35.98 रुपए प्रति किलो रहा, अब 2023 मई के कंपैरिजन में ये 34.38 रुपए था, अंतर कितना? 4.65% का रहा है। चीनी, वो भी हर घर में इस्तेमाल होती है, उसका जो एवरेज प्राइस वो 44.78 रुपए पर केजी, 2023 मई में ये 42.72 रुपए, अंतर कितना? 4.82% का रहा है। ऐसे ही गेहूं है जिसमें एवरेज प्राइस रहा इस साल 30.85 रुपए पर केजी, पिछले साल मई में 29.10 रुपए, अंतर कितना? 6.1% का है। उधर जो परसेंटेज है वो अंतर आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि मई 2024 मई 2023 में बदले जो प्राइसेस थे उसका कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कीमतों में इजाफा तो हुआ लेकिन बहुत ही मामूली अंतर के साथ। अब इससे पहले 12 जून को मई के जो रिटेल महंगाई के आंकड़े थे वो भी जारी कर दिए गए थे और इसके मुताबिक मई में रिटेल महंगाई 4.75% रही थी और ये 12 महीनों का सबसे लोएस्ट लेवल था, निचला स्तर था, और एक महीने पहले यानी कि अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 4.83% पर आ गई थी।